सोशल मीडिया के ऊपर जितने ये जो कमेंट्स चलते हैं एक दूसरे के मज़हब के खिलाफ हो या किसी के तकलीफ देने के खिलाफ जो पोस्ट करते हैं उसको रोकने का काम जो है कि आपने इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं ये हमारे कैंपेन को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम कई करीबन 1.5 साल से कैंपेन चला रहे हैं, उसका नाम है स्टॉप हेट कैंपेन। स्टॉप हेट कैंपेन का एक ही मैसेज है कि जितनी नफरत सोशल मीडिया पे कम होगी उतनी हिंसा रास्तों पे कम होगी। और कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर लाया वो सिर्फ धार्मिक नफरत फैलाने के लिए है, और उस लड़की ने जो जवाब दिया वो उसका हक था। सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ बहसबाजी करने से कुछ नहीं होगा, ज़मीनी काम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि हिजाब क्या होता है, क्योंकि आजकल लोगों को हिजाब, निकाब और बुरके में फ़र्क पता नहीं है जी। कि आप सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे के धर्म के ऊपर कीचड़ उछाले, उस लड़की ने जो आवाज़ उठाई वो बिल्कुल हक है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन उस बात को सोशल मीडिया पर लाकर किसी के धर्म के ऊपर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, बिला वजह एक गर्म माहौल कर देना और लोगों को बेचैन कर देना, ये बात गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है उस राइट में रह के आप प्रदर्शन कर सकते हो, आप मेमोरेंडम दे सकते हो। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जिस तरीके से हमने कई दिनों से एक चीज़ देखी है कि सोशल मीडिया पर लोग कई ऐसे पोस्ट कर देते हैं बगैर सोचे समझे, किसी को भी ऐसे पोस्ट करते हैं जिसकी भावनाओं को तकलीफ होती है। एक बात सबसे बड़ी ये है कि क्या हम लोग ऐसी पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे किसको फ़ायदा हो सकता है। हम ऐसी पोस्ट करते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि आगे चल के हमको तकलीफ़ हो सकती है, हम पर कोई ऐसे FIRs हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो सकती है, हमारा करियर बर्बाद हो सकता है। उसी के चलते एक हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कई दिनों से एक कोशिश उनकी रही, एक ऐसी उनकी जद्दोजहद रही कि सोशल मीडिया के ऊपर जितने ये जो कमेंट्स चलते हैं एक दूसरे के मज़हब के खिलाफ हो या किसी के तकलीफ़ देने के खिलाफ जो पोस्ट करते हैं उसको रोकने का काम जो है फूका जाए। परवेज सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि परवेज सर सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा आपका इसलिए करते हैं कि आपने एक ऐसा कैंपेन चलाया है जिसकी वजह से जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो मैं ये समझूंगा, मैं उन लोगों को अनपढ़ कहूँगा, पढ़े लिखे लोग भी इसमें जाहिल होते हैं जो किसी के खिलाफ भी पोस्ट कर देते हैं, उस बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे और आपने कितने दिनों से इस मेहनत को जारी रखा है और क्या करना चाहिए आप प्लीज़ बताइए। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया और कहीं ना कहीं ये हमारे कैंपेन को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम कई करीबन 1.5 साल से कैंपेन चला रहे हैं, उसका नाम है स्टॉप हेट कैंपेन। स्टॉप हेट कैंपेन का एक ही मैसेज है कि जितनी नफरत सोशल मीडिया पे कम होगी उतनी हिंसा रास्तों पे कम होगी, और उसी के तहत हम ये कैंपेन चलाते हैं। इसमें हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की धार्मिक कमेंट ना करें, एक दूसरे के धर्म को बुरा ना कहे, एक दूसरे की जाति को बुरा ना कहे, इससे कुछ हासिल नहीं है, इससे सिर्फ माहौल ख़राब होगा। और हम जो एक हमारा जो यूथ है, यूथ का सबसे प्राइम गोल इस एज में सेल्फ डेवलपमेंट होता है। कहीं ना कहीं वो अपने उस डेवलपमेंट के गोल से हटकर वो इस नफरत की आग में वो अपने आप को झोंक रहा है, और ये पूरे देश के लिए हानिकारक है, यानी पूरे देश के लिए ये ख़तरनाक है। तो हमारा मैसेज ये होता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के ऐसे कमेंट ना करें कि जिससे किसी की धार्मिक भावनाएँ वो भड़कती हो, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हो, यही हमारा इसमें कोशिश रही है। अच्छा सर, उसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसे कमेंट कर जाते हैं जिसकी वजह से किसी की भावनाओं को तकलीफ होती है, तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या फिर से कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे कि आप फिर से अवेयरनेस लोगों के अंदर लाएंगे कि सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट ना करें जिसकी वजह से किसी की भावनाओं को तकलीफ होती हो? देखिए, आपने एक अच्छी बात कही कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, तो पढ़े लिखे होना एक अलग चीज़ है और सोशली रिस्पॉन्सिबल होना एक अलग चीज़ है। एक अनपढ़ भी सोशली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और एक पढ़े लिखा भी सोशली इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो ये उसकी मिसाल है कि पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर वो धार्मिक कमेंट करता है, धार्मिक टिप्पणी करता है, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी हम उसको जाहिल कहेंगे, क्योंकि उसके एक कमेंट से कई लोग जो बेचारे अनपढ़ है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो कम समझ रखते हैं, उसकी एक कमेंट से वो भटक जाते हैं और वो रास्तों पे हिंसा करने लगते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों को, क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों को ऐसे काम से बचना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि हिजाब को लेकर लोग कहीं कमेंट कर रहे हैं, कोई किसी को कमेंट कर रहा है, कोई अच्छे कमेंट कर रहा है, कोई बुरे कमेंट कर रहा है, कई लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसमें क्या आपको लगता है कि चीज़ें करना चाहिए या जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उसको लेके क्या है सर? देखिए, सबसे पहले तो हिजाब का जो मामला है, हिजाब पहनना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आर्टिकल 25 के तहत मजहबी आज़ादी के तहत ये जायज़ है। कोई भी भारतीय
अपना मजहबी जो प्रैक्टिस है वो कर सकता है और वो लड़की वही कर रही थी। अब इसको तूल दिया गया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम जानते हैं कि जिस तरह जब जब इलेक्शन आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उन जैसी पार्टियां कोई ना कोई मुद्दा लाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है, और आज तो 5 राज्यों में इलेक्शन है तो वो ये मौका कैसे छोड़ती। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर लाया वो सिर्फ धार्मिक नफरत फैलाने के लिए है, और उस लड़की ने जो जवाब दिया वो उसका हक था, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जानती है और उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अब जो लोग इस बात को समझते हैं वो उस लड़की का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की का समर्थन करते वक्त किसी के धर्म पे उंगली उठाना ये बात सही नहीं है। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसके हक में बात कर सकते हैं, उस लड़की का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन किसी और को इस पर किसी और धर्म को पूरे धर्म को बुरा कहना ये गलत बात है। हाँ, वो लड़कों ने जो वहाँ किया, वो लड़के जिस तरह उस लड़की पर वो टूट पड़े वो बिल्कुल गलत है, उसका क्रिटिसाइज होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए, उन पर केस होना चाहिए बाज़ाब्ता, और ऐसी हरकत दोबारा ना हो इसलिए और सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ बहसबाजी करने से कुछ नहीं होगा, ज़मीनी काम होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि हिजाब क्या होता है, क्योंकि आजकल लोगों को हिजाब निकाब और बुरके में फ़र्क पता नहीं है जी। तो अक्सर लोग जो है हिजाब को ही निकाब समझ रहे हैं, है ना। जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कई बार बात हो रही है कि कोई अगर चेहरा छुपाकर हमारे घर आ गया और वो अगर घर पे बेल बजाता है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो उनको समझना चाहिए निकाब एक अलग चीज़ है, हिजाब एक अलग चीज़ है। यहाँ बात हिजाब की हो रही है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका पूरा राइट देता है कि आप हिजाब पहन सकते हो, वो आपका रिलीजियस राइट है। क्योंकि आज अगर हम हिजाब के समर्थन में खड़े नहीं होंगे तो कल चल के हो सकता है कि जो सिख समाज जो पगड़ी पहनती है उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, और दीगर मजाहब की जो अपनी जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी है पॉलिटिकल पार्टीज उसको टारगेट करके अपना पॉलिटिकल जो है वो गेन हासिल करने की कोशिश कर सकती है। यहीं पे इनको रोकने की ज़रूरत है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये कि आप क्या मैसेज देंगे हमारे जरिए से लोगों के अंदर। देखिए हमारा जो स्टॉप हेट कैंपेन का मैसेज यही है कि जहाँ तक हो सके कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, कानून के दायरे में रह के लड़ना चाहिए, लेकिन इसमें ये ना हो कि आप सोशल मीडिया पर आकर एक दूसरे के धर्म के ऊपर कीचड़ उछाले। उस लड़की ने जो आवाज़ उठाई वो बिल्कुल हक है, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, लेकिन उस बात को सोशल मीडिया पर लाकर किसी के धर्म के ऊपर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, बिला वजह एक गर्म माहौल कर देना और लोगों को बेचैन कर देना, ये बात गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिया है उस राइट में रह के आप प्रदर्शन कर सकते हो, आप मेमोरेंडम दे सकते हो, आप जो है तो लोगों को अवेयर कर सकते हो कि हिजाब क्या होता है, और इसके जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने इसका राइट दिया है, तो जो लड़की ने किया वो गलत नहीं है, ये हम बात रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे सर परवेश सर से बात करने के बाद में एक चीज़ ये पता चली है कि क्या आप उनका साथ जनता देगी। जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है सोशल मीडिया पर, जो एक दूसरे के मजहब के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, कोई ऐसी पोस्ट हम लोग कर जाते हैं अनजाने में जिसकी वजह से हमको वो तकलीफ हो सकती है। सबसे बड़ी बात हम आपको ये कहेंगे, क्या हम पढ़े लिखे होकर जाहिल ऐसे काम करेंगे, किसी के मजहब के बारे में या किसी का दिल दुखे ऐसी हम पोस्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होता है, ऐसे लोगों पर पुलिस की नज़रें होती हैं। हम लोगों से एक अपील कर रही है औरंगाबाद अपडेट्स की टीम कि आप ऐसी जो है कमेंट्स ना करें जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई केसेस हो, और केसेस होने के बाद में एक चीज़ आप ध्यान से आप ये सुन ले, आपका जो आगे चल के एक फ्यूचर है वो फ्यूचर ख़राब हो सकता है, और पॉलिटिशियंस लोगों की वजह से अपना फ्यूचर ख़राब ना करें। हम जो है हमारे पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, हमारे आगे चल के जो फ्यूचर है उस फ्यूचर की तरफ ध्यान दें। हमारी यही औरंगाबाद अपडेट्स की टीम से आपसे अपील रहेगी कि हम जो है किसी के मजहब के बारे में बुरा ना बोले, और किसी को कमेंट करने से पहले ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि पुलिस की जो है हमारे ऊपर नजरें हो। कैमरामैन ज़ियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।